अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग 90। अब 365 डेज चैलेंज, और बस अभी हम बैठे हुए हैं ऐसे ही, आईज उठ चुका है, मैं भी उठ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने जो है अपना न्यू चैनल बनाया है स्मार्ट एडिट्स के नाम से, तो वो मैं आपको दिखा लेती हूँ। तो ये वो चैनल है स्मार्ट एडिट्स के नाम से, जिस पे मैं वीडियोस लगाया करूँगी एडिटिंग के हवाले से। मैंने दराज से ना वो एक ग्रीन कपड़ा होता है ना, ग्रीन स्क्रीन जिसको कहते हैं, वो मैंने ऑर्डर किया है। इट वाज अराउंड 400 रुपीज़, बट मुझे सस्ता पड़ा। यार ये ग्रेप्स ना यहाँ तक फुल थे, यहाँ तक। जब से मैं सुबह से उठी हूँ ना, मैं ग्रेप्स ही खा रही हूँ। ग्रेप्स ऐसी चीज़ है कि अब दिल ही नहीं भरता, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। मैंने पराठा और ऑमलेट मंगवाया था, जो मुझे कोटा पराठा का पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो देखते हैं क्या आया है या नहीं। तो जी आ गया है हमारा कोटा पराठा, सो लेट्स एंजॉय इट नाउ। और आइज जो है ना बहुत तंग हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ है? दूल्हा भी उठ गए हैं, अब उनके लिए थोड़ी चाय शाय रेडी कर लेते हैं। सारे इसने बर्तन नीचे गिराए हुए हैं, ये अब एक और निकाल रहा है। ये है जी वो वाहिद कप जिसमें अब्दुल्ला लाइक्स टू हैव चाय। फाइनली आई वोक अप, क्योंकि नींद का आजकल कोई समझ नहीं आ रही क्या सीन चल रहा है। कभी ये साहब उठ जाते हैं तो कभी ये मैडम उठ जाती हैं, कोई समझ नहीं आ रही कैसे लाइफ गुजर रही है, ना कोई रूटीन है ना कुछ। पर चलो अब उठ गए, और उठते ही एक बैड न्यूज़ मिली है। वो बैड न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिली है। वो ये इसकी शक्ल है, वो बैड न्यूज़ इस बंदे की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 260 मार दिया है, कोई भी आउट नहीं हुआ, और अभी तक 33 ओवर्स हुए। ऐसा लग रहा है जैसे आज ये 500 मारेंगे पाकिस्तान को। बॉलर्स फिर भी आजकल थोड़ा जो है ना डाउन चल रहे हैं। ये शाहीन शाह अफरीदी ने शादी की है ना, शादी के बाद ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाती है, इसीलिए उसका कैरियर बर्बाद हो गया। इतना बड़ा फास्ट बॉलर था। सही बात है ना, आप लोग बताएं, शादी के बाद ज़िंदगी चेंज नहीं हो जाती? जब से इसने शादी की है तब से इसका जो है ना परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गया। नो कमेंट्स। बाबर आजम का मुंह बना हुआ है, हमारी चाय आ गई है, थैंक यू फॉर द चाय। वो बनाने से अच्छा है कि अपने क्रिकेट पे फोकस करें, अपने क्रिकेट पे भी। यार वो क्या करे, अरे अरे अभी अभी आउट हो गया, वाह जी वाह, बाबर ने कैच किया। चलो खैर यार, मैच भी देखते हैं साथ साथ, काम भी शुरू करते हैं, और साथ साथ इस पे भी नज़र रखते हैं कि ये लड़का क्या करेगा, क्योंकि इस पे हर वक्त नज़र रखनी पड़ती है, कहीं स्विच में हाथ तो नहीं डाल रहा, कोई चीज़ गिरा तो नहीं रहा। ये देखें गाइस, थंबनेल बनाने के लिए ना कितनी सारी पिक्चर्स लेनी पड़ती हैं, हर रिएक्शन में पिक्चर ली हुई है मैंने। कि किसी तरह मेरे थंबनेल पे सूट कर जाए। ये देखें इस पे, देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें। अभी मैं सोच रही हूँ रिएक्शन अच्छा नहीं आ रहा, तो अभी दोबारा से एक और पिक्चर हो जाए। पराठा खा रहे हो? बाबा को नहीं खिलाओगे? बाबा खिलाओ। तो टेबल पे जगह ही नहीं है, मैं अकेला टेबल यूज करता था, मजे से हर चीज रखी जाती थी। जब से हमने ये ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया ना, तब से मैंने भी अपना सारा सेटअप यहाँ लगा दिया। अब चीजें इतनी सारी होती है, हम लोग कहते हैं यार मेरी जगह कहाँ है। ओ जी, दूसरा भी आउट हो गया, मैक्सवेल भी गया, वाह जी वाह। चलो तो शर्म आ गई शाहीन अफरीदी को, वो मुझे गलत प्रूफ कर रहा है कि भाई शादी के बाद मैं दो ना अभी भी ठीक हूँ। इतनी बड़ी टेबल पे इतनी सी जगह मुझे दी। बीवी इशारा कर रही होगी चप्पल मारूंगी यार, परफॉर्म नहीं किया तूने। यार इसने अफसा गंद कर दिया, सारा पराठा बाहर निकाल दिया, खा लेगा बार बार नहीं उठा जाता मुझसे। खुद ही वापस अंदर डाल रहा उसके। ये उस दिन जो मैं बच्चा पार्टी से ना लेके आई थी, आए से कपड़े लेने गए थे, लेकिन साथ में मैंने ये भी ले लिया। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पहना देते हैं इसको, आज मेरी काम वाली नहीं आ रही तो इसको खुद ही सेट करना पड़ेगा, इतना गंद हुआ है हर जगह पे, तो सेट कर लेते हैं जी इसको। हो गया है जी कमरा हमारा रेडी, और अब बस आइज को तैयार करना है। यहाँ देखो आइज, कितना भालू भालू लग रहा है अब। हाँ नहा धो के पहला पहला हो गया बेबी। भाई जान मकरोनी खाने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था,
तो इसीलिए अब हम मैक्रोनी बना रहे हैं, या मैं सब्जी निकाल चुकी हूँ, इसको भी कट कर लेते हैं। तो बस मैक्रोनी बनाते हैं। मैक्रोनी इज़ रेडी और मैंने दे दिया है आयज़ और अब्दुल्ला को थोड़ा सा मैक्रोनी। इसको ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर फ्रिज में रखते हैं इसे। ये जी हफ्सा बना के आई है मैक्रोनी। ऑल दो हमने अभी 7 हो रहे हैं, सोचा था मैंने एक ही बार खाना खाएंगे, बट चलो थोड़ा ये भी खा लेते हैं, चेक करते हैं कैसी बनी है। आयज मैक्रोनी खानी है, कपड़े नहीं खाने। अच्छी है। इस वक्त हफ्सा बहुत गुस्से में है क्योंकि इसने जो है ना इसकी रिंग लाइट तोड़ दी है गिरा के। कोई नहीं, रिंग लाइट बन जाएगी या न्यू ले लेंगे। वेरी गुड जॉब। और ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम जो है ना वीडियो के सामने गुस्सा खत्म कर दो। तुम रो रही हो वही देखो, रिंग लाइट के लिए रो रही है। यहाँ पे जी मैच चल रहा है और यहाँ पे पता नहीं क्या शुगल चल रहा है। क्या हो रही है? Three hours later. हम लोग आए हैं जरा खाने पीने, तो खाना वाना हम मंगवा चुके हैं, तो जैसे ही आते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं हमने क्या मंगवाया। आईपैड जो है ना लाने की एक वजह है वो ये कि मैं जो ना खाना खाते हुए कोई ना कोई वीडियो देख रहा होता हूँ, और हफ्ता आइस को अपने मोबाइल पे कार्टून दिखा रही थी तो उसे लेफ्ट आउट फील होता है, इसीलिए मैं आईपैड लाया हूँ ताकि मैं अपना मोबाइल यूज़ करूँ तो ये भी अपना यूज़ कर ले। वरना फिर ये एक्सपेक्ट करती है मैं अपना मोबाइल भी ना यूज़ करूँ। चलें जी, ये हमारे प्राइस आ गए हैं फॉर आइस एंड मी, पर हफ्ता भी खा रही है। और ये हमारे कबाब आ गए हैं, और ये वही बाबा जमाल है जहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं और रिव्यू भी दे चुके हैं, तो बस खाते हैं। हम आ गए हैं सॉफ्ट सॉइल पे। और तुमने नहीं खानी आइसक्रीम? नहीं, मैंने नहीं खानी आइसक्रीम। इनसे पूछो कि इनके पास रसमलाई इनके पास रसमलाई कहाँ से आ गई। मैं मंगवा रहा हूँ एक बाउंटी हंटर। ये जी आ गई है हमारी बाउंटी हंटर, और ये 390 की आइसक्रीम है और 60 रुपये टैक्स है इस पर, 450 हो गए। अब मुझे जल्दी से रसमलाई चाहिए। चलो चलते हैं अभी रसमलाई ढूंढते हैं, रात को 12:30 बजे लेट्स सी मिलती है या नहीं। यहाँ से जी मैंने पैंपर्स ले लिए हैं, ये आइस के पैंपर्स ख़त्म हो गए थे और गाड़ी में शायद तंग कर रहा है आइस। आइसक्रीम गिरा दिया? सारी आइसक्रीम गिरा दी इसने। तो ध्यान रखना था ना। तो ब्रश इतना था अंदर, मैं क्या करूं। अभी जी हम यहाँ हैं खालिस 365 पे, क्योंकि मैडम को खानी है रसमलाई, तो यहाँ की आज ट्राई करते हैं कि कैसी है। A few moments later. हम घर आ चुके हैं और आज काफ़ी बिजी दिन था। आज हम गए थे ज़रा अम्मी के पास। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी मम्मा है, मैं अम्मी के पास आई हुई हूँ। अभी अम्मी जो है ना ये फजूल के अहतमाम करने लग गई हैं। तब भी मैं आती हूँ ना अम्मी के पास, अम्मी कुछ ना कुछ डिनर के लिए इतना सारा रेडी करके रखेंगे, इसलिए फिर मैं मोस्टली मैं आती हूँ, फिर अम्मी बहुत ज़्यादा अहतमाम कर रही होती हैं। और दूसरा यहाँ मेरी भाभी हैं। हेलो ताहा, इसका बीबी है ये। अच्छा, ये बड़ा फ्रेंडली सा जानू है, कुकू। इसको थोड़ा सा हंसाओ ना, ये इतना ज़्यादा हंस देता है ना। भाभी आप सारा दिन इसके साथ लगी हुई होती हैं। हम औरतों की शक्लें देखें ना, कितने हल्के पड़ गए हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा पाउडर शाउडर लगा के आई हूँ, वरना बच्चों के पीछे जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है ना, वो तो बस एक औरत ही जान सकती है। हमारे पास जो कंबल है ना, तो वो हमें ड्राई क्लीन करवाने के लिए देने थे आज, लेकिन इतना लेट हो गया कि हमने दिए ही नहीं। धोबी भी उस टाइम तक चला गया था, तो बस फिर हमने सोचा कि अम्मी के पास से ना हम कंबल उठा लेते हैं एक दो दिन के लिए, एक्स्ट्रा कंबल। पिंक वाला कंबल है वो, और जो इसके नीचे पड़ा पर्पल वाला वो हम सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल ले जाएं। पकड़ लोगे? एक और आ रहा है गंदी चप्पलों के साथ। बाकी कपड़ा तो नहीं है। हाँ, ये मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली अपने कपड़े। देखो जरा, गाड़ी चला चलो क्या हुआ? हेलो फवाज, आ जाओ, चलो खेलो गाड़ी चला। पी
फिर कल जो है ना हम अपना ड्राई क्लीन के लिए कंबल दे देंगे। मैं रसमलाई लेके आई हुई हूँ तो इसको ट्राई करते हैं। अरे भाई काम काज हो रहे हैं यहाँ पे, मैं भी काम कर रही हूँ। तो व्लॉग आज का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।